कर रहे हो फॉरेंसिक मेडिसिन बेसिक, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी जो है वो है, दो ब्रांचेज उसकी डिवाइड है आपकी सिलेबस में, जनरल और स्पेशल। जनरल टॉक्सिकोलॉजी के अंदर जनरल चीज़ें आएंगी कि पॉइजन क्या होता है, किस तरह से वो एक्ट करता है, किस तरह से बॉडी में परफॉर्म करता है, कौन कौन से पॉइजन्स होते हैं, क्लासिफिकेशन उनकी क्या है, मैकेनिज्म उनका क्या होता है, रिमूव किस तरह करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें जनरल में मिलेंगी। स्पेशल में हमें मिलेंगे टिपिकल पॉइजन्स ग्रुप वाइज, कि अल्कोहल किस तरह अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है, मॉर्फिन किस तरह करती है, वो सारे हम अलग 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 करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जनरल टॉक्सिकोलॉजी से। ये इसके बेसिक आपके एलओज हैं आज के पता होने चाहिए, व्हाट इज टॉक्सिकोलॉजी, ये इसको उठाओ। आपके 10 MCQ रहे थे ना, ये बेसिक आउटलाइन है आज के लेक्चर की, कि आपके ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एट द एंड ऑफ लेक्चर। डिफाइंड टॉक्सिकोलॉजी, अब बस हो गई। डिफाइंड टॉक्सिकोलॉजी कुछ भी बताओ, और ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टॉक्सिन्स, पॉइजन्स, ड्रग्स, केमिकल्स, ठीक है, उनके एक्शन किस तरह होते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, उनको बॉडी में एक्शंस किस तरह प्रोड्यूस करते हैं, अगर एक्शन बॉडी में अगर इंसर्ट हो गया पॉइजन उसको रिमूव किस तरह करते हैं, एंटीडोट किस तरह देते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आती हैं टॉक्सिकोलॉजी के अंदर। व्हाट इज़ फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, इधर से जो भी बताया आपने उसी को फॉरेंसिक में अप्लाई कर दो, ये सारी चीज़ें उसकी फॉरेंसिक एप्लीकेशन। फॉरेंसिक एप्लीकेशन क्या होगी टॉक्सिकोलॉजी की, पॉइजनिंग का केस आता है उसकी सारी आपको पता होनी चाहिए, आपने फाइंडिंग देखनी है, उसको रिपोर्ट करना है, उसको ट्रीट करना है, मेडिकल ड्यूटीज़ हैं, लीगल ड्यूटीज़ हैं। इट हेल्प्स इन जो डेफिनेशन में आपने किया था फॉरेंसिक की, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस थ्रू योर फाइंडिंग्स, ठीक है। तो ये इसके अंदर ये इस खुद आप लिख सकते हो उसको। तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी जो भी मैंने आपको बताई, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी बेसिक इसका ये मकसद है, और बहुत सारे केसेस आते हैं टॉक्सिकोलॉजी के एमरजेंसीज के अंदर, आप जाओगे तो इंशाल्लाह देखोगे। जब एनालिटिकल टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो पता होनी चाहिए आपको। एनालिटिकल टॉक्सिकोलॉजी वर्ड से पता लग रहा है, एनालिटिकल एनालिसिस, टॉक्सिकोलॉजी जो पॉइजन्स हैं ड्रग्स हैं उनके एनालिसिस, ठीक है, कि उसका क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी कितनी है, क्वालिटी क्या है, किस तरह का पॉइजन है, ड्रग है, उसका मैकेनिज्म क्या है, एक्शन क्या है उसका, हर चीज़ किस तरह डिटेक्ट करते हैं, क्या उसके एंटीडोट हैं, ये सारी उसकी स्टडी जो इसमें आती है, एनालिसिस हम करते हैं जो। अब आगे मर्करी पॉइजन है उसको हमने माइक्रोस्कोप में कैसे देखना है, या ब्लड अगर आप देख रहे हो जो भी आपने प्रैक्टिकल किया होगा, ब्लड किस तरह से नज़र आता है, अगर पॉइजनड होगा तो वो किस तरह नज़र आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है वो ब्लड में किस तरह नज़र आएगी, ये छोटी छोटी चीज़ें सब इसी एनालिसिस के अंदर आती हैं। एनालिटिकल टॉक्सिकोलॉजी इसी को कहते हैं हम, इसकी स्टडी को। डिफाइंड ड्रग, ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ड्रग क्या होती है, एनी सब्सटेंस यूज टू प्रिवेंट और क्योर अ डिजीज और इट्स सिम्टम्स, ठीक है, सिम्टम रिलीव करने के लिए या डिजीजेस के लिए हम देते हैं वो ड्रग है। पॉइजन क्या होता है, पॉइजन क्या होता है, हाँ, एनी सब्सटेंस डैट कॉजेज सीवियर ऑर्गन डैमेज और डेथ इफ इंजेस्टेड, इनहेल्ड, ब्रीथ और अब्जॉर्ब थ्रू द स्किन, ये सारे रूट्स जो हैं आप लोग करोगे फॉरेंसिक
टॉक्सिकोलॉजी के अंदर, ये इन्हेलेशनल है, ये इंजेक्शन है, और ये भी इन्हेलेशनल रूट है, अब्सॉर्प्शन रूट होता है। अगर वो काम कर रहा है, मैंने आपको उसमें लैब में भी बताया था कि अगर कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसको हाथ से अगर उसका कॉन्टैक्ट हो रहा है पॉइजन के साथ, मटीरियल के साथ, तो वो अब्जॉर्ब होता रहता है स्किन के थ्रू। कोई एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल डर्मल एब्जॉर्प्शन की, डाइज वगैरह जो होती हैं, हेयर डाई वगैरह, उससे काम कर, वो काम कर रहा है अगर वहाँ पे इंडस्ट्री में। इस तरह के और भी हैं। ड्रग और पॉइजन में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? को ड्रग जो है वो पॉइजन कह सकते हैं उसको? ड्रग को पॉइजन कह सकते हैं? फर्क क्या होता है? हाँ, वो जो उस दिन जो आपका लेक्चर हुआ था क्रिमिनोलॉजी का, उन्होंने एक चीज़ बताई थी आपको कि एक्शन प्रोड्यूस करने से पहले एक वो इंटेंट होता है। तो इंटेंट में फ़र्क है, ड्रग और पॉइजन जो है उसमें उसके लेने के इंटेंट में फ़र्क है। कि अगर पैरास्टामोल है, वो एक या दो गोलियां लेते हैं फॉर रिलीविंग फीवर, फॉर रिलीविंग हेडेक। अगर कोई उसी को 20 गोलियां खा लेगा तो वो इंटेंट फ़र्क हो जाएगा, सुसाइड के लिए वो पॉइजन बन जाएगा। ये डिफरेंस है इसका। और ये फार्मा में पढ़ा है आपने ED50? बताओ कौन क्या होता है इधर से, और इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ED50 क्या है? इफेक्टिव डोज 50 क्या मतलब होता है इसका? मसलन इससे मतलब बनता क्या है, बनता क्या है? 50% पॉपुलेशन में क्या देखना होता है हमने? के इफेक्टिव डोज 50 और लीथल डोज 50। के इफेक्टिव डोज है कि कोई मेडिसिन है उसकी कम से कम डोज ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, तो उसकी ED50 बेहतर होगी। और अगर वो ज़्यादा डोज कोई ले रहा है और उसको इफेक्ट प्रोड्यूस करने में ज़्यादा डोज अगर हमें लग रही है तो उसकी इफेक्टिवनेस कम होती है, मतलब होता है इसका। तो ये एक्सपेरिमेंट जो करते हैं कि 50% पॉपुलेशन में इफेक्टिव आया है, उसका रिजल्ट आया है, तो इसका मतलब ED50 50 हम उसको कह सकते हैं। इसी तरह LD है, लीथल डोज 50, के 50% पॉपुलेशन में या 50% वो जो एक्सपेरिमेंटेड एनिमल्स हैं उसमें वो डोज जो है वो किल करेगी उनको। जितनी कम होगी उतना ज़्यादा उसकी लिथैलिटी जो है, फेटेलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है? इन दोनों का एवरेज, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसको कहते हैं। फार्मा में पढ़ा होगा आप लोगों ने ये चीज़ें। ये थेरेप्यूटिक इंडेक्स लिथल और इफेक्टिव डोज का डिफरेंस है। फिर आ जाता है, ये बेसिक चीज़ें थी, डेफिनेशंस। व्हाट आर द जनरल एंड मेडिको लीगल इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन्स? अगर इस पे नोट आ जाए तो आप पॉइंट्स बना के लिख सकते हो। अगर इसके किसी एक सेक्शन पे आ जाए तो वो आप लिख सकते हो कि पॉइजन्स किस तरह के होते हैं, टाइप्स किस तरह की होती है, रूट्स किस तरह के होते हैं, और हाउस होल्ड कौन से होते हैं, प्लांट पॉइजन कौन से होते हैं, आपकी मेडिकल ड्यूटीज़ क्या हैं, आपकी लीगल ड्यूटीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि दो तरह की पॉइजनिंग होती है, ह्यूमन पॉइजनिंग और कैटल पॉइजनिंग। इसका भी बड़ा रोल है आगे जाके आप देखोगे जब मेडिको लीगल करोगे सेक्शन। ह्यूमन पॉइजनिंग, कैटल पॉइजनिंग। ह्यूमन पॉइजनिंग में मैनर जो आप लोगों ने किया था, सुसाइडल, होमिसाइडल, एक्सीडेंटल और स्टूपीफाइंग, इसके अंदर ये चीज़ ऐड हो गई है, ठीक है। सुसाइडल क्या होता है? सेल्फ इंजेस्टेड या सेल्फ हार्म, सेल्फ इंजेक्टेड, सेल्फ यूज़ किया है उसने कोई पॉइजन या ड्रग या कोई ऐसी चीज़। होमिसाइडल, किसी ने पॉइजन दूसरे बंदे को या इंजेक्ट किया है या ब्रीथ कराया है या उसको खिलाया है या जो भी किया है, ये होमिसाइडल में आ जाता है। एक्सीडेंटल, गलती से, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, आप एमरजेंसीज में देखोगे इसको, ये चीज़ बहुत ज़्यादा आती है एमरजेंसीज में। एक्सीडेंटल मेजॉरिटी इन द किड्स और उसके बाद एडल्ट, बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, ठीक है। स्टूपीफाइंग क्या होता है? स्टूपीफाई किसी को स्टन कर देना, रॉबरी वगैरह होती है क्राइम वगैरह में, कि इसने उसको बस में साथ बैठे हुए हैं तो
ट्रैवल कर रहे हैं दोनों साथ बैठे हुए। उसने उसको केक खोला, उसको कहा भाई खाओगे, उसने खा लिया, थोड़ी देर बाद वो सो गया और ये उसकी चीज़ें लेके गायब हो गया। इसलिए कहते हैं, इसको कहते हैं रेल रोड पॉइजन, रेल रोड टॉक्सिसिटी। तो ये इसका मतलब होता है, स्टूपीफाई करके उसको क्राइम करके निकल गया बंदा। ये आगे करोगे आगे धतूरा पॉइजन, और इसमें और भी एक दो आते हैं, ठीक है। ये सुसाइडल है, ये हम एक एक करके सारे करेंगे कि कौन से जो है वो ज़्यादा इंसिडेंस कॉज करते हैं, सुसाइडल में कौन से ज़्यादा कॉमन यूज़ होते हैं। जिसमें आप लोगों ने सुना भी होगा वीट प्रिजर्वेटिव पिल का, कुछ आइडिया है व्हाट इज़ वीट प्रिजर्वेटिव पिल? कैडेट्स बताओ यहाँ से। इस पर हमने पूरा सेशन किया था, पोस्टर प्रेजेंटेशन हुई थी, कोर कमांडर साहब आए थे, उन्होंने सारे जो पोस्टर्स चेक किए थे, तो उसमें हमारा पोस्टर था वीट प्रिजर्वेटिव पिल का। उन्होंने चार पांच पोस्टर सिलेक्ट किए थे टू प्रोजेक्ट और प्रेजेंट इन द हेडक्वार्टर्स, आर्मी हेडक्वार्टर्स, उनके कैडेट्स को और उनकी फैमिलीज़ को। तो इसमें हमने जो प्रेजेंट किया था, मैंने जाके वो वीट प्रिजर्वेटिव पिल का था। उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, होती क्या है ये बता दो आप लोग। गंदम में रखने वाली गोली, फसलों में ये जो गंदम चावलों में रखते हैं ताकि कीड़े वगैरह या होमिसिडल, बहुत ज़्यादा केस आते हैं और इसकी मोर्टेलिटी रेट जो है ऑलमोस्ट 100% है, वीट प्रिजर्वेटिव पिल जो होती है। ये भी आप डिटेल के साथ करोगे और ये आता भी है क्वेश्चन बहुत एग्जाम के अंदर, और लोगों को इसका इतना पता भी नहीं है कि वो किस तरह से एक्ट करती है वीट प्रिजर्वेटिव पिल जो है। तो उसको मॉइस्चर हल्का सा लगा तो उसने सारा वो जो गंदम है, सारा वो जो चावल है, उसको पॉइजन कर देना। तो इसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली इन द रूरल एरियाज जहाँ पे लोग गंदम स्टोर करते हैं। होमिसिडल ये आप करोगे सारे पॉइजन, जब नेक्स्ट वन बाय वन इसमें आप देखोगे। ये स्टूपिफाइंग का मैंने जो भी बताया आपको, बच्चों को कहते हैं ना किसी से कोई चीज़ लेके टॉफ़ी लेके नहीं खाना चाहिए, यही वजह होती है। एक्सीडेंटल बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं एक्सीडेंटल के, बर्न्स के, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग के, क्या वजह होती है? एक्सीडेंटल ड्रग इंटेक भी हो सकता है, एक्सीडेंटल हाउस होल्ड केमिकल इंटेक भी हो सकता है, ठीक है। हाउस होल्ड केमिकल कौन से होते हैं जो एक्सीडेंटली इंटेक करके लोग प्रेजेंट करते हैं एमरजेंसीज में? इधर से बताओ कॉमन हाउस होल्ड एलिमेंट्स, आप बताओ जो भी आए हो, कॉमन हाउस होल्ड एलिमेंट्स जो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग कर सकते हैं। एसिड वगैरह रखा हुआ है, ब्लीच रखा हुआ है, पेट्रोल डाल के रख देते हैं बॉटल्स में, और कैरोसिन ऑयल वगैरह, कोई भी ऐसी चीज़ जो शीशे वाली बॉटल में पड़ी हो वो एज ए प्रेजेंट करे जैसे कोई बॉटल है या कोई ऐसी चीज़ है, या इस तरह की कलर्ड बॉटल्स होती हैं, ठीक है, बच्चे एक्सीडेंटली इंटेक कर लेते हैं, या ड्रग्स हैं, ड्रग इंटेक के बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं पॉइजनिंग के। अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं, मैसेज भी कर रहे होते हैं, या एमरजेंसी में आते हैं, बच्चे ने छोटी छोटी टैबलेट पड़ी थी लिगजोटनिल की या वो पेरेंट्स की, वो उठा के खा ली, या एक या दो या जितनी भी, फिर वो एक दो से कुछ नहीं होता, लेकिन वो अक्सर बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं एमरजेंसी के अंदर पीड्स में, देखोगे आप लोग। तो ऑलवेज इसलिए कहते हैं कि बच्चे के हाथ से लेवल से ऊपर रखनी चाहिए ये चीज़ें। ये फिनाइल प्रिपरेशन है, ये हाउस होल्ड क्लीनिंग आइटम्स हैं, क्वैक्स बहुत ज़्यादा करते हैं ये। ये पढ़ो, कौन पढ़ेगा? इस तरह के बैनर लगे हों, इस तरह के अगर शॉप्स पे लगे हों, तो बुक शॉप पे रब्ता करें, लोग कहेंगे, रिक्शों के पीछे ऐड लगे होते हैं कि डॉक्टर के पास छोड़ें हम आपका इलाज करते हैं। तो ये क्वैक्स जो हैं वो इस तरह से पॉइजनिंग करते हैं। जब आप क्लिनिक करोगे या हॉस्पिटल में जॉब करोगे एमरजेंसी के अंदर या ओपीडी के अंदर, बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो प्रेजेंट करते हैं इनके इनकी पॉइजनिंग की वजह से, कि इंजेक्शन जो है वो गलत जगह पे लगा दिया, पस पड़ गई, इंट्रामस्कुलर लगाना था वो डेल्टॉइड में लगाना था, यहाँ लगा दिया तो वहाँ पे पस पड़ गई, इस तरह के बहुत सारे केसेस और होते हैं। मेडिसिन की डोज का नहीं पता होता, गलत डोज दे देते हैं, ओवर डोज कर देते हैं,
ठीक है, तो ये सारे ये क्वैक्स के अंदर आते हैं ये चीज़। फिर उसके बाद एक्सीडेंटल के अंदर मैंने उस दिन आपको बताया था कि कार एक्सीडेंट्स, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के अंदर सबसे जो ज़्यादा इंसिडेंस है वो किसमें होता है? कोई अगर मेडिसिन ले रहा है, बेंजोडाइजेपिन वगैरह ले रहा है, कोई ऐसी चीज़ ले रहा है जिसमें रिएक्शन टाइम इंक्रीज हो जाता है, क्या होता है उसमें? रिएक्शन टाइम इंक्रीज होने में क्या होता है, एक्सीडेंट क्यों होते हैं? सर ये बार बार रिपीट हो रही है चीज़, फिर जब एग्जाम में आएगी कहोगे हमें नहीं पता, टाइम नहीं था। रिएक्शन टाइम क्या होता है? फोकस और अकोमोडेशन डिस्टर्ब होती है ना, कोई मेडिसिन अगर ले रहा है, कोई ऐसी ड्रग्स या मेडिसिन अगर ले रहा है जिससे उसकी स्लीपलीनेस हो रही है, या उसकी ड्राउजीनेस हो रही है, ड्राइव कर रहा है, तो एक्सीडेंट होता ही एक्सीडेंटल के अंदर आता है। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का मैंने आपको बताया था, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग, ये आप सेपरेटली भी करोगे। क्या करती है कार्बन मोनोऑक्साइड, आप बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे एक्ट करती है? हाँ फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा सर्दियों में जिस प्रेजेंट करते हैं ना केसेस के डेथ के, तो बंदे को पता क्यों नहीं चलता? अगर उसकी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग अगर हो रही है तो वो बंदा अलर्ट क्यों नहीं होता? क्या क्वालिटीज़ हैं इसकी? कोई स्मेल नहीं है, कोई उसका ऐसा एक्शन नहीं है, कोई उसकी ऐसी अपेयरेंस नहीं है, ठीक है? तो इसको इट कॉजेज साइलेंट डेथ, इसलिए कहा जाता है। ये मरी वाला केस हुआ था, उसकी पिक्चर आपको याद होगा कि वो कार ऐसी चला के सब सो गए थे, तो उनका अपना भी वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा था प्लस एग्जॉस्ट ब्लॉक होने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गाड़ी में एक्यूमुलेट हुई और इट कॉज्ड देयर डेथ, ठीक है? जो रीज़न निकला था, इसलिए ऑटोप्सी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है टू डिटेक्ट द कॉज ऑफ डेथ के किस वजह से हुई है। ब्लड टेस्ट करना चाहिए, ब्लड टेस्ट के अंदर में कार्बन मोनोऑक्साइड इजीली मिल जाता है, लेवल उसका मिल जाता है, स्किन अपेयरेंस से हमें पता लग जाता है। ये जो आपने भी चीज़ें बताई हैं, कांट बी सीन, कांट बी स्मेल्ड, कांट बी हर्ड, लेकिन उसको डिटेक्ट करने के लिए स्मोक डिटेक्टर्स लगे होते हैं घरों में अक्सर, यहाँ पे तो नहीं करते यूज़, मॉल्स में लगे होंगे या अक्सर घरों में लगे होते हैं कि स्मोक अलार्म या स्मोक डिटेक्टर लगे होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड अलार्म, कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर्स भी लगे होते हैं घरों में। ये एक तो नॉर्मल स्मोक अलार्म होता है ना, एक CO अलार्म होता है कि अगर गैस लीक हो रही है अगर स्टोव से या हीटर वगैरह से, तो इट कैन डिटेक्ट। अब इसमें ये तो चीज़ें आ गई बेसिक जनरल। हॉस्पिटल के अंदर आपने जब पेशेंट प्रेजेंट करता है तो उसको किस तरह से आपने रिसीव करना है, किस तरह से आपने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, ये आपका ड्यूटीज़ के अंदर आता है कि पेशेंट को फ़ौरन हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं और ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं उसका। अब वो जनरल और लीगल ड्यूटीज़ और जनरल ड्यूटीज़ हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पॉइजनिंग जो है वो प्लांट पॉइजनिंग है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं और ड्रग्स, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है? ये इस तरह से कुछ जिसको कहते हैं जंगली पौधे, ये नॉर्दर्न एरियाज़ में होते हैं इस तरह के कलरफुल, लेकिन वो पॉइजनस होते हैं। कुछ फ्रूट्स हैं उनके सीड्स पॉइजनस होते हैं, कौन से होते हैं? कौन से ऐसे सीड फ्रूट्स हैं या कौन से ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जो आप लोग खाते हो जिनके सीड्स के अंदर पॉइजन होता है? एप्पल के अंदर, एप्पल के सीड्स जो होते हैं, ठीक है, चेरी वगैरह या बादाम, उसका वो जो होता है सीड, तो उसको अगर इतनी अमाउंट में लिया जाए कि वो एक एक दो सीड से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर क्रश करके कोई 100-200 सीड्स हों तो वो साइनाइड की अच्छी खासी अमाउंट बना देते हैं उसके अंदर, एप्पल सीड्स जो होते हैं। इस पर मूवी भी बनी हुई है। ये जो भी मैंने आपको बताया था हाउस होल्ड आइटम्स को बॉटल्स में स्टोर कर लेते हैं, जो केरोसिन को, पेट्रोल को, ब्लीच को, इट कैन कॉज एक्सीडेंटल पॉइजनिंग।
ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये पेपर में पूछ लेते हैं, वाइवा में पूछ लेते हैं, एक एक दो दो मार्क्स का, जिस तरह वो भाई कह रहा था कि मैं तो 4 पेज लिख दूंगा, मेरे नंबर कैसे आएंगे सर। तो ये उसको आपने डिवाइड करना होता है, डेफिनेशन दी होंगी या कॉजेज ऑफ पॉइजनिंग क्या क्या हो सकती हैं, प्लांट एनिमल, प्लांट ड्रग्स या हाउस होल्ड आइटम, उसको आप लिख दो। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप थोड़ा थोड़ा करके लिख दो एग्जाम्पल के साथ। ड्रग टॉक्सिसिटी बच्चों में और एक्सीडेंटल और सुसाइडल है, ये वाली मैं आपको उस दिन भी बताया था, कॉमन यूज़ किए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सीडेंटल केसेस इनके आते हैं बच्चों में। ये मेजर परसेंटेज जो एमरजेंसी में प्रेजेंट करती है जो आप करोगे मेडिसिन में, तो वो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग की है। कार्डियक के तो आते ही आते हैं बहुत ज़्यादा केस, एक्सीडेंटल के बहुत ज़्यादा आते हैं। ये एक उसकी डिपिक्शन की हुई है कि ये एक हाउस होल्ड आइटम है, बच्चों को लगता है खेलने की चीज़ें पड़ी हुई हैं, इसलिए वो या ड्रग हो या केमिकल हो उसको पीने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, हिस्ट्री। लास्ट टाइम भी मैंने आपको जब वो कराया था टॉपिक, उसमें मैंने कहा था कि हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर, चाहे मेडिकल लीगल, चाहे आप एज ए जनरल डॉक्टर काम कर रहे हो। हिस्ट्री नहीं पता होगी तो आप ट्रीटमेंट गलत कर दोगे, ट्रीटमेंट सही नहीं करोगे, या सर्जरी में अगर आपको उसकी हिस्ट्री नहीं पता होगी आप गलत कोई ओपन कर दोगे, गलत आप इंजरी को मेडिकल लीगल करते हुए कट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं फ्रेंसिक के लिहाज से, आप जनरल डॉक्टर अगर काम कर रहे हो तो हिस्ट्री नहीं बताओगी, हिस्ट्री आपने नहीं पूछी होगी प्रॉपरली, तो आप मिसडायग्नोज कर सकते हो और उसका ट्रीटमेंट गलत कर सकते हो। तो हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसको कोई उसका रिलेटिव लेके आया है, पुलिस लेके आई है या फ्रेंड लेके आया है, तो हिस्ट्री पहले सबसे पहले पूछते हैं कि इसने क्या चीज़ खाई है या इसको किसने पॉइजनिंग किया है, किस चीज़ से किया है, ताकि कुछ पॉइजन ऐसे हैं जिनके एंटीडोट अवेलेबल होते हैं, तो आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना और उसके बाद एंटीडोट का इंतज़ाम करना है कि वो हम दिया जाए इसको साथ साथ, ताकि उसकी एंटी टॉक्सिसिटी जो टॉक्सिसिटी है उसको क्लियर किया जाए। ये इंपॉर्टेंस होती है इसकी। तो इसमें वर्क प्लेस पॉइजनिंग जो है बहुत ज़्यादा देखी जाती है, इसमें आप लोग करोगे वर्क प्लेस के अंदर। ऑक्यूपेशनल पॉइजनिंग मैंने आपको उसने बताया था क्या होती है, ऑक्यूपेशनल पॉइजनिंग हाथ जल जाता है, बर्न्स हो जाते हैं। अगर आपको पता है कि कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड गिरा है तो आपको पता है कि किस तरह आपने ट्रीट करना है, क्या करना है उसको। ये वही जो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई हैं, होम में, वर्कशॉप पे, ये सारी चीज़ें पड़ी होती हैं और ये एक्सीडेंटल करती हैं फार्मर्स के अंदर, रूरल एरियाज़ में खास तौर पे। पता होगा आप लोगों को वो जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स जो हैं वो स्प्रे करते हैं, उसके बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं हॉस्पिटल्स में। जो पेरीफ्री के साथ हॉस्पिटल लगते हैं ना, मे हो गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं इस तरह के दूसरे शहरों से। इंसेक्टिसाइड्स कौन से होते हैं कॉमनली जो पॉइजन करते हैं, केयर से बताओ। इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड कौन से कॉमनली होते हैं जो, हाँ, DDT, ऑर्गेनोफॉस्फेट, ये के करके सारे पॉइजन करेंगे हम लोग। ये भी सेपरेटली भी करेंगे एज अ एमरजेंसी डॉक्टर। जनरल ड्यूटीज़ आपकी क्या होंगी और लीगल ड्यूटीज़ क्या होंगी, इधर से बताओगे आप, बताओ। आप डॉक्टर, एज अ डॉक्टर काम कर रहे हो, आप एज अ डॉक्टर काम कर रहे हो एमरजेंसी में, इस तरह का कोई केस आ जाता है तो व्हाट आर योर जनरल ड्यूटीज़ बीइंग अ डॉक्टर, बस करो। इधर से बताओ, व्हाट आर योर जनरल ड्यूटीज़, इस तरह का कोई केस आ जाए हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो क्या होंगी आपकी जनरल ड्यूटीज़। ठीक है, और ये तो बायो डाटा में आ गया ना एक चीज़, और
ठीक है, शाबाश। जनरल ड्यूटीज़ के अंदर आपने ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट कर देना है कि अगर एयरवे ब्लॉक है उसको क्लियर करना है, हार्ट बीट ड्रॉप हो रही है, पल्स ड्रॉप हो रही है, उसको आपने सर्कुलेशन को मेंटेन करना है, ठीक है। और हाँ, वो इसमें आता है ना, नेक्स्ट पॉइंट में। जनरल ड्यूटीज़ है, आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। अगर डिहाइड्रेशन है, वॉमिटिंग हो जा रही है उसको, तो आपने साथ साथ उसको आईवी वगैरह लगा के, यूरिन बैग लगा के ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। ये नहीं देखना कि पुलिस केस है जी, मैं वेट करूँगा, मैं डॉक्यूमेंटेशन का वेट करूँगा। यू हैव टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट ऑन द पॉइंट। स्कैंडिनेवियन मेथड इसको कहते हैं, ऑफ द ट्रीटमेंट, ठीक है। इसके चार पाँच वो सेक्शंस हैं कि आपने फ़ौरन पेशेंट को रिसीव करके ट्रीटमेंट शुरू कर देना है। ये लीगल ड्यूटीज़ हैं, ये साथ साथ चलती रहेंगी। ये भी ट्रीटमेंट भी चलेगा, लीगल ड्यूटी भी जो आप बता रहे हो, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, सैंपल्स कलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसको अगर कोई पॉइजनिंग का, फूड पॉइजनिंग का केस है, तो हेल्थ अथॉरिटीज़ को कनेक्ट करेंगे, फूड अथॉरिटी को बताएंगे, उनको इन्फॉर्म करेंगे। ये लीगल ड्यूटीज़ के अंदर आएगा, ये भी आप करोगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये दोनों चीज़ें पूछ लेते हैं, फिर आप लोग मिक्स करते हो, पेपर में आ जाती हैं ये भी। स्कैंडिनेवियन मेथड जो इसका नाम इन्होंने दिया हुआ है, कि ये इसके 5-6 स्टेप्स हैं। हॉस्पिटलाइजेशन है, वाइटल सपोर्ट करना है, जिसमें अभी आपको बताया, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। फर्दर अब्जॉर्प्शन पॉइजन की, वो हमने रोकनी है, वो हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे उनमें आपको बताऊंगा कि पॉइजन अनअब्जॉर्ब है तो कैसे आप रिमूव करोगे, अभी मिड फेज़ में कैसे रिमूव करोगे, अब्जॉर्ब हो चुका है बॉडी के अंदर, एक्शन प्रोड्यूस कर दिए उसने, फिर आप कैसे रिमूव करोगे, ठीक है। ये तीनों कैटेगरीज हैं, इसको हम वन बाई वन नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। फिर एलिमिनेट करेंगे साथ साथ, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे, गुड नर्सिंग केयर और डिटॉक्सिफिकेशन एंड फॉलोअप। ये इसके स्टेप्स हैं जो आपने टॉक्सिकोलॉजी के अंदर यूज़ करने हैं सारे, जब भी आप एज ए डॉक्टर काम करोगे। जनरल और लीगल ड्यूटीज़ के अंदर ये आपके मेन स्टेप्स हैं जो आप चलाओगे, ठीक है। फिर प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। एक्सीडेंटल बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, तो आगाही सेमिनार करते हैं ना, आगाही सेमिनार करते हैं, ये हम लोगों ने वही किए थे, आगाही सेमिनार। तो वीट प्रिजर्वेटिव पिल का मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लीथल है, 100% मोर्टेलिटी रेट है इसका। खासतौर पर रूरल एरिया से औरतें आती हैं, सुसाइड करके कोई लड़ाई हुई है, कुछ हुआ है, तो सुसाइड केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। और जब तक वो पेशेंट प्रेजेंट करता है, तब तक वो डैमेज हो चुका होता है, ठीक है। तो वो वीट पिल ऐसी होती है कि वो स्टमक के साथ स्टिक कर जाती है और आहिस्ता आहिस्ता अब्जॉर्ब होती रहती है। आप गैस्ट्रिक लवाज कर भी दोगे, रिमूव कर भी दोगे उसको, सक्शन करके, फिर भी वो पॉइजनिंग उसकी रिटेन रहती है, इतनी ये डैमेजफुल। और लोगों को जो हमने सेमिनार किया था, उसमें 50-60 की ऑडियंस होती थी डेली। जब उनसे पूछते थे तो 80% को पता नहीं होता था कि ये गंदम वाली गोली क्या है या वीट प्रिजर्वेटिव पिल क्या है, तो इसलिए। और ओवर द काउंटर मिल जाती है गांव में, रूरल एरिया में। कभी आप जाओगे, अब देखना आप, मुझे शायद पता नहीं कि मिलती कि नहीं। पहले तो बच्चे जाके भी ले लेते थे, घर वाले मंगवाते थे, वो जाते थे, एक दो गोलियां लेके आ जाते थे, 2-3 रुपए की गोली होती थी। और अक्सर बच्चे खेलते हुए या वहाँ पर रखते हुए, अब वो गंदम में रख दिए, वैसे थोड़ा सा उसमें पानी पानी या मॉइस्चर लगा, वो सारा उसने गंदम को पॉइजन कर देना, ठीक है। साइड इफेक्ट उसके इस तरह आ जाते थे, तो इसलिए कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी फिर हम डिटेल से एक एक चीज़ आगे करेंगे सारी। कोई क्वेश्चन?